नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 70 Pro 5G versus Samsung Galaxy F55 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 70 Pro 5G में 6.42 इंच जबकि F55 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 70 Pro 5G में 2.97 इंच जबकि F55 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 70 Pro 5G में 195 ग्राम जबकि F55 5G में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 70 Pro 5G में AMOLED जबकि F55 5G में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 70 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि F55 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70 Pro 5G में 87.36% जबकि F55 5G में 86.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 70 Pro 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F55 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 70 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और F55 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 70 Pro 5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F55 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 70 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और F55 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 70 Pro 5G में Mali-G 68 MegaCoulomb 4 जबकि F55 5G में Adreno 644 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 70 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7050 और F55 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो 70 Pro 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि F55 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 70 Pro 5G में नहीं है जबकि F55 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 70 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 18,621 रुपीस
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 555G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 70 Pro 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं Samsung Galaxy F55 5G की तो उसमें 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F55 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F55 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Realme GT 6T 5G है, तीसरा Poco F6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 40 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।